हेडशॉट रेड नंबर प्रॉब्लम गाइस, ये प्रॉब्लम अभी के टाइम पर फ्री फायर के हर एक प्लेयर के साथ हो रहा है, बट ये वीडियो देखने के बाद आपका प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाने वाला है। तो देखो गाइस, हमारे फ्री फायर में अपडेट के बाद तो काफी चीजों में चेंजेस आए हैं, बट जो सबसे शॉकिंग चेंजेस है वो है फ्री फायर के हेडशॉट के कलर को लेकर। मतलब यार, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वेल, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपका हेडशॉट के कलर पहले जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो गाइस, मैंने उस ट्रिक को अप्लाई किया है और आप मेरे हेडशॉट के कलर को देख सकते हैं और मेरा भी हेडशॉट रेड नंबर का लगने लगा है। तो वो ट्रिक को कैसे करना है इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको इस गेम को पूरा बैक कर लेना है, उसके बाद आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है और वहां पर VPN सर्च कर लेनी है। यहाँ पर आपको बहुत सारी VPN मिल जाएंगे, आप कोई भी डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करके कनेक्ट कर लेना। देन आपको अपनी फ्री फायर गेम स्टार्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको सेटिंग में जाकर कंट्रोल पे क्लिक कर देनी है। देन आपको स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल नीचे आ जानी है, वहाँ पर आपको विजुअल इफेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। हालांकि ये ऑप्शन हमारे गेम में पहले था, बट अपडेट के बाद गरेना ने इसे हटा लिया है। तो इसे लाने के लिए आपको VPN कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो गाइस, आपको विजुअल इफेक्ट में क्लासिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर देना है एंड देन आपका प्रॉब्लम सॉल्व। यानी अब आपके गेम में आपको हेडशॉट रेड नंबर का कलर देखने को मिल जाएगा। और हाँ, ये सेटिंग आपको हर एक गेम खेलने से पहले करनी होगी, क्योंकि जब भी आप गेम से पूरा बैक आ जाएंगे तो ये अपने आप रीसेट हो जाएगा। और गाइस, क्या आपको पता है इस अपडेट में और भी कई बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। आपके स्क्रीन पर एक नया वीडियो आ रहा होगा, उसे क्लिक करें और जल्दी से जाकर देख लें।